हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस PCM PCB। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। इससे पहले दो लेक्चर में हम लोग नेमिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 20 नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट कर लिए। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप उन लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन्हीं नेमिंग रिएक्शन से ही आपकी सारी नेमिंग रिएक्शन जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी इन तीनों लेक्चर से ही आपको देखने को मिलेंगी। तो पिछले लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है और यहीं से हर बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रिएक्शन पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कुछ और नेमिंग रिएक्शन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुई हैं। ठीक है, तो ये बार बार हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट हुई हैं। इसमें हम बात करेंगे बच्चों, अगर नेमिंग रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो जो फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन दिया गया है वो स्मिट रिएक्शन दी गई है। स्मिट रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्मिट रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में बार बार रिपीट भी हुई है। तो कई बार ये बार बार रिपीट हुई है, इसलिए इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखेंगे। बेसिकली स्मिट रिएक्शन होती क्या है, तो द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड आर ट्रीटेड विद हाइड्राजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म प्राइमरी एमीन। इसमें बेसिकली होता क्या बच्चों, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्राजोइक एसिड के साथ में ट्रीट कराते हैं या रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सो द प्राइमरी एमीन इज फॉर्म। इसमें प्राइमरी एमीन बनेगी। ठीक है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड के साथ कराते हैं, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्टेड विद हाइड्राजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, सो मेथिलेमीन इज फॉर्म। मेथिलेमीन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हमारा स्मिट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में जैसे हम बात करते हैं C6H5COOH की, और इसकी अगर हम हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर देखिएगा एनिलीन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्मिट रिएक्शन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मिट रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाने वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से आप रट लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कोलबे स्मिट रिएक्शन। बच्चों कोलबे स्मिट रिएक्शन ये भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में कोलबे स्मिट रिएक्शन रिपीट हुई और हर साल किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगी। तो कोलबे स्मिट रिएक्शन को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोलबे स्मिट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड, अगर हम बात करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और 398 टू 413 केल्विन टेम्परेचर पर और 4 to 8 ATM प्रेशर पर, इतने प्रेशर पर सोडियम जो फिनॉक्साइड होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बनेगा बच्चों, यहाँ पर सोडियम सैल्सिलेट बनेगा। ठीक है, और इस सोडियम सैल्सिलेट का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे कंसनट्रेटेड HCl के साथ में। तो जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर देखो सैल्सिलिक एसिड बनेगा, द मेन प्रोडक्ट इज सैल्सिलिक एसिड और NaCl अलग हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स के लिए, केमिस्ट्री में बहुत बार पूछी गई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इनको बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा और दो तीन बार आप इनको रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिक आपकी तैयार हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की और हम बात करेंगे हंस-डीकर रिएक्शन। ये हमारी वो वेरी 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 और मोस्ट इंपॉर्टेंट में रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं RCOOH और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर एग्जांपल की बात करेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे यहाँ पर दिया गया सिल्वर प्रोपियोनेट, क्या है, सिल्वर प्रोपियोनेट जब ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करेगा, देखो दो बार ब्रोमीन यहाँ लिख गई, सिल्वर प्रोपियोनेट जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो हम अगर फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत बार पूछी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एल्किल क्लोराइड
पोटेशियम आयोडाइड के साथ, एल्किल क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनता है एल्किल आयोडाइड और KCl बन जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद गाटरमैन्स रिएक्शन बात करते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गाटरमैन रिएक्शन होती क्या बेसिकली, इसमें क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ये क्या करता है, कॉपर की प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, है ना। व्हेन बेंजीन डाई एजोनियम इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, सो द प्रोडक्ट इज फॉर्म क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। उसके बाद में कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में बच्चों होता क्या है कि इसमें जो पोटेशियम सॉल्ट होता है, कोई भी चाहे सोडियम सॉल्ट ले लो या फिर पोटेशियम सॉल्ट ले लो, है ना, उसका क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। ठीक है, तो H2O के साथ कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर की नीड पड़ेगी। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ पर एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो जो एल्केन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ चला जाएगा, एट एनोड। किस पर चला जाएगा, एट एनोड पर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 की बात करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत बार रिपीट हुई रिएक्शन है। ठीक है, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें समझ लीजिएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर पिछले दो लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं, नेमिंग रिएक्शन, और ये तीसरा लेक्चर है हमारे नेमिंग रिएक्शन का। अच्छा, नेमिंग रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है, और ये ऐसी नेमिंग रिएक्शन है जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में रिपीट हुई, मतलब लगातार हर साल पूछी जाती हैं, तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसा आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम आप सभी के नियर अबाउट हैं, तो आपको क्या करना है, जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, है ना, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, टेस्ट देते रहिएगा और जम के पढ़ाई करिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर दिस क्लास।